सर आपको मेरी हेल्प नहीं करनी तो क्लियरली बता दीजिए, मैं डेली बात कर लेता हूँ एंड देन आई विल लुक इनटू इट व्हाट आई नीड टू डू। मिरांड जी आप बात समझे नहीं, मैंने कब कहा कि हम आपकी मदद नहीं करना चाहते, कि वो मायरा जो है ना अब हमारे टीवी चैनल की स्टार रिपोर्टर बन गई। वो छोटे से इंटरव्यू के बाद क्या आपके लिए छोटा होगा, लेकिन हमारे टीवी चैनल और जयपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो कमिटमेंट्स आपने मुझे दी थी उसका क्या? तो ठीक है ना, मैं कोई और रिपोर्टर कर देता हूँ आपके साथ, कोई चिंता की बात नहीं मिरांडा जी। रहने दीजिए, वैसे भी जो भी मैं कर रहा हूँ आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। आई विल फिगर समथिंग आउट। और हाँ, रखिए अपनी स्टार रिपोर्टर को अपने पास, एंजॉय कीजिए ये स्मॉल अचीवमेंट्स। रिपोर्टर जो अपनी एक छोटी सी स्टोरी के लिए पुट हर कलीग्स लाइफ एट रिस्क। वेल डन मिस कोहली, वेल डन। आप मुझसे बात कर रहे हैं? अरे मायरा, मायरा बड़ी अच्छी खबर। जी सर। हाँ 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर। कहाँ जाना है? ओ, उस तरह की खबर नहीं है, मेरे स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में लिखा है मुझे स्टमक इन्फेक्शन था ही नहीं। वो तो है सर, इन्फेक्शन तो अभी चला गया, एंड आई होप नॉट करना है। स्टमक इन्फेक्शन चला गया, नॉट करना है, क्या कह रही है? रिपोर्ट में तो लिखा था कि है ही नहीं इन्फेक्शन। अबे यार फिर से स्टूल टेस्ट कराना पड़ेगा। क्या हुआ? तुम्हें पता है मैं तुमसे पहली बार जब मिला था आई हैड लाइक यू, और उसके बाद मुंबई में समा हम बार बार मिलते रहे। आई थॉट यू आर अ नाइस गर्ल। सो बट मैं गलत था। तुम मुंबई से सडनली चली गई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। टुडे आई रियलाइज्ड तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। तुम ये क्यूट और केयरिंग होने का नाटक करती हो। एंड वन मोर थिंग, यू आर ब्लडी गुड एट इट। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। We'll be right back.
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी करूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी